दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि चिकन शाही रोल में क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेंगे। तो इसे अच्छे से एकदम डीप फ्राई करेंगे और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तभी इसे निकालेंगे। तो अब ये पूरा 10 किलो देखो पापा उठा लिए। ये देखो आदमी का नाम स्टार्ट हो गया। तो देखो दोस्तों फ्रूट ऐसे पतला पतला मैं खाता हूँ, देखो ऐसे खा पाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज दूसरा हो गया और सुबह सही दिन हम लोग वीडियो नहीं बना रहे आज, बच्चे दोपहर हो गए दोनों का टाइम, बच्चे लोग कब स्कूल से आए हैं। ये हमारी आ गई, हमारा शादी में आ गया, देखो गंदा गंदा पैर लेके। यार मत दिखाओ, प्राइवेसी रखो थोड़ी। नहीं प्राइवेसी क्या प्राइवेसी है, मोजा देखो इनका, मोजा देखो और देखो ये देखो दोस्तों बताओ ये कैसे पटा। हमारा पीटी होता ना मतलब प्ले टाइम, तो फिर हम लोग खेल रहे थे उसमें खो खो, तो मैं ऐसे पकड़ने गया और वो जो भाग रहा था मैं ऐसे पकड़ा, मेरा स्लाइड हुआ, ये पूरा यहाँ का पूरा भर गया। चलो अभी चल के नया सॉक्स लो, अभी नया सॉक्स भी। तो ये जो इनका ये शूज है और ये सॉक्स है ये डेली वाला नहीं है, ये पीटी वाला है ना। सिर्फ पीटी के दिन पहन के जाते हैं लोग, डेली नहीं पहनते, डेली का अलग है दूसरा है ब्लैक। पीटी यूनिफॉर्म और पीटी सॉक्स शूज अलग है, और बाकी का जो नॉर्मल यूनिफॉर्म बाकी का ब्लैक शूज और दूसरा सॉक्स है। तो ये फट गया, चल के शूज तो धुल लेना, ये सॉक्स तो धुल जाएगा, सॉक्स चल के नया ले लो। आज ही लेंगे इनका सॉक्स भी, देखो गंदा हो गया, ये गंदा ही हुआ है, फटा नहीं, फटा नहीं है, सही कितना गंदा है। चलो कमेंट जरूर करना लोग के सॉक्स पे, तो आज का रोज आप लोगों को कैसा लग रहा है? आज तो और ज्यादा हालत खराब है। और ये देखो अच्छा लग रहा है ना, अभी जैसे रोजा आगे बढ़ेगा, सुनो जैसे आगे बढ़ेगा ना वैसे फिर आदत पड़ जाएगी, फिर नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन आज सुबह सुबह भी गर्मी थी, गर्मी हाँ बहुत है, गर्म तो बहुत है। हाँ कल ना मुझे पता चल रहा था, हाँ मतलब रोजा हूँ मैं ऐसे, आज मतलब इतना। चलो ठीक है, तो फटाफट से कपड़े चेंज करो और जोहर की नमाज पढ़ो पहले। तो शादी में जोहर की नमाज जो है जमात से नहीं पढ़ पाता है मस्जिद में, क्योंकि स्कूल में रहता है, ये आता है लेट और नमाज पहले खत्म हो चुकी होती है, तो तुम घर में पढ़ लो जोहर की, ठीक है? तो दोस्तों अभी हम कुछ दिन पहले मार्केट गए थे, वहाँ से कुर्ता पजामा लाए थे, तो ये कुर्ता और ये पजामा और हम मैं और साजिम सेम सेम खिलाएंगे इसी में का, उनका देखो कुकर बोल रहा है वहाँ, तो एक ही में हम लोग खिलाएंगे कुर्ता पजामा, एक अभी से सिला के रख लेते हैं, ये तो बाद में कोई भी टेलर सिलेगा नहीं, अभी सिल जाएगा ना। और हमने पैंट शर्ट पहले सिला लिया एक एक जोड़ा ना, वो दिखाया भी नहीं वीडियो में, वो सिला के रखा हुआ पहले से एक एक जोड़ा, वो भी हमारा मेरा और साजिम का सेम सेम है, ये भी सेम सेम। और मारिया ने कोई आज एक रेसिपी मतलब दिमाग में आया मारिया के, कोई एक नया रेसिपी बनाने जा रही है, इसके लिए हमारे सामान भी लेंगे, तो वो सामान भी लेके आएंगे हम। शादी का नाप स्टार्ट हो गया, तो अभी पापा का नाप लिया जा रहा है, पापा भी मस्त कुर्ता पजामा पहनेंगे। तो हमारा नाप हो गया है, अब हम चलते हैं मार्केट। मारिया आ गई यहाँ लेने, देखो कुछ नया डिश बनाने का इसको, इसलिए अब क्या क्या लेगी बताइए, क्या लेगी? ब्रेड क्रम लेगी। हाँ यहाँ का सामान हमारा हो गया, पैसा पेमेंट भी हो गया, चलो आगे। अभी क्या लेना है? अभी हमको चिकन। चलो तो हम आ गए चिकन लेने के लिए, आज ये मारिया का रेसिपी है चिकन का, क्या बनाएगी मारिया बताएगी घर पे। हाय, और यहाँ पे हमारे एक सब्सक्राइबर मेरी बहन अभी वीडियो देखती है, थैंक यू। 10 किलो 10 10 तो अभी हम आता रहेंगे यहाँ से। ये पूरा 10 किलो देखो पापा उठा लिए, ये देखो। और हमने मम्मी का कपड़ा अल्टर करने के लिए दिया था, तो उसे भी आज लेने आए हैं। तो ये हमारी रुकैया का कपड़ा भी आ गया, फिटिंग करने के लिए रुकैया ने दिया था, तो फिटिंग हो गया आ गया। और ये हमारे तो पुराना वाला है, थोड़ा टाइट साइड ढीला कराना था, तो ये रुकैया का देखो, ये इसके लिए नहीं है, ऐसे हम लेके आए थे रुकैया पहनने की। मेरे को नहीं मालूम क्या किया नहीं, क्या नहीं किया, सुई देख के आई थी मैं यहाँ से, वो लेते आया वहाँ से। तो मारिया क्या बनाएगी आज? तो मैम आज बनाऊंगी चिकन शाही रोल। चिकन शाही रोल बनाएगी, हाँ। तो आप लोग आखिर तक बने रहो, आगे कैसे बनाती है आप लोग को बताएगी। सबसे पहले चिकन की धुलाई हो रही है, सफाई हो रही है। अच्छा चलो, चिकन की धुलाई या सफाई जो भी बोलते हैं, सफाई हो रही है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि चिकन शाही रोल में क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेंगे।
तो सबसे पहले आपको लगेगा ब्रेड क्रम, गार्लिक पाउडर, चिली फ्लेक्स, ओरिगानो, मेयोनीज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक और चिल्ली पाउडर, और दो अंडा भी लगेंगे। और ये है चिकन बोनलेस का कीमा, और साथ में हरी धनिया और मिर्ची भी लगेगी। तो अभी हम लोग कीमा और हरी धनिया और मिर्ची को साथ में मिक्सर में पीस के उसका पेस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें चिकन, हरी धनिया और मिर्ची का पेस्ट बना लेना है, फिर उसके बाद हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो अभी पेस्ट पूरा अच्छे से रेडी हो चुका है, इसमें धनिया मिर्ची सब अच्छे से मिक्स हो गया है। तो हम इसके अंदर अब सारे जो भी इंग्रेडिएंट है ऊपर से डालेंगे। तो आप भी जब ये बनाओगे तो आप अपने हिसाब से स्वाद अनुसार नमक डाल देना। क्या, तो अब लाल मिर्ची भी डल चुकी है, अब हम इसमें ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस। हाँ, और अभी चिली फ्लेक्स। मारिया बता रही हूँ कैसे डाल, आज मैं शेफ बन गई हूँ। चिली फ्लेक्स भी थोड़ा सा, बस बस। और अभी इसके ऊपर से गार्लिक पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी, बस। तो अब हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि पूरा स्वाद हर जगह फैल जाए और काफी टेस्टी बने हमारा ये चिकन रोल। बहुत गंदा बनने वाला है। अच्छा बनेगा, मैं हूँ शेफ आज की। जितनी चिकन की क्वांटिटी होती है उतना सामान डाला जाता है। हम लोग थोड़ा बना रहे हैं तो थोड़ा सामान डाला है। आपके फैमिली मेंबर ज्यादा है तो आप ज्यादा बनाओगे तो आप ज्यादा सामान, तो आप ज्यादा उसमें क्वांटिटी में सामान ज्यादा डालिए, टेस्ट उस हिसाब से आता है। बहुत ही गंदा बनने वाला दोस्तों। अच्छा बनेगा, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं क्योंकि ये मारिया ने रेसिपी बताई है। अगर अच्छी बनेगी तो नेक्स्ट टाइम फिर बनाएंगे, और नेक्स्ट टाइम सारे काम मैं करूंगी, इस बार मम्मी ने मुझे नहीं करने दिया। इससे अच्छा मैं बना दूं, बनाओ कल बनाऊंगा मैं। अब अगर आपको नहीं, सुनो सुनो, नहीं नहीं, कल मैं बनाऊंगा कल। और अगर आपको चाहिए कि पापा भी एक रेसिपी बनाए तो आप प्लीज कमेंट करना। पापा ने रेसिपी बनाई थी बिरयानी, काफी टेस्टी बनी थी, काफी टेस्टी बनी थी। टांग पकौड़ा, टांग पकौड़ा, टांग पकौड़ा खायो? किसकी टांग रही? टांग पकौड़ा बनाऊंगा। तो आपको मिक्स हो गया इसमें सारा सामान। तो अभी हमने अंडा ले लिया, अब इसको हम फेटेंगे अच्छे से, इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे स्वाद के लिए। तो चलो मम्मी फेटो, मैं सिर्फ बता रही हूँ, आज सारा काम मम्मी करेंगे। तुम क्यों फेट रहे हो? लगता है पापा को भी कुकिंग का बहुत शौक है। बहुत सारे खाना बनाया हूँ, बहुत साल मैं और मेरे अब्बा जो है मुंबई में अकेले रहते थे, बाकी फैमिली गांव में रहती थी। ये तो कहानी हम 15 साल से सुन रहे हैं, हमें एक कप चाय नहीं मिली आज तक। तो मेरा खाना वहीं बनाता था क्योंकि मेरा अब्बा सुबह सुबह काम में चले जाते थे, मैं सुबह लेट काम में जाता था, तो खाना वहीं बनाता पूरा, तो सारे आइटम बनाने आते थे। बीवी आगे तो बनाया था भाई, और मुझे भी आज तक एक कप चाय नहीं मिली। अरे यार, मैं एक बार धरावी में भुर्जी बना खिलाया हूँ, भुर्जी बनाए थे पास एक बार। पहले हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, फिर हम ये पेस्ट को ऐसे लेंगे हाथ पे और इसको थोड़ा लंबे में ऐसे फैला लेंगे, और फिर इसके अंदर क्या डालेंगे, मेयोनीज को, मेयोनीज की स्टफिंग डालेंगे। ला दो, मैं खुल देता हूँ। चलो, मैंने भी एक बहुत बड़ा काम कर लिया, बड़ा काम। तो अभी इसमें ज्यादा नहीं, बस थोड़े से क्वांटिटी में मेयोनीज डालेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे डाल। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, चलेगा, ठीक है। आज से भी इसको बराबर कर ले, फिर इसको, और अब इसे रोल कर लेंगे, और इस रेसिपी का नाम ही रोल है। रोल बना के ऐसे रखेंगे। अभी मारिया भी एक रोल बना के ट्राई करेगी। चलो, पहले हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, फिर पेस्ट लेंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अभी मेयोनीज डालेंगे, बस हल्के हल्के हाथ से हल्के। रोल का बच्चा बन गया। चलो, हाँ ठीक है, ये मम्मी पापा ये बच्चा। तो अभी हमारा रोल बन चुका है, काफी ज्यादा मेहनत के बाद पूरा घर भर ने मिल करके ये रोल बनाया है। तो जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है तब तक हम इसे कोट करेंगे अंडा और ब्रेड क्रम के साथ। तो सबसे पहले हम इसे अंडे में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम में अच्छे से इसको मिला लेंगे, बस बस बस। तो ऐसे हम सारे रोल को कर देंगे। तो अब हमने हमारे रोल को अच्छे से कोट कर लिया, और अब मैं आपको ये रोल बनाने का एक फायदा बताती हूँ कि जब आप ये रोल को कोट कर लोगे तो आप इसे फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हो, और जब आपका दिल करे आप इसे फ्राई करके खा सकते हो।
अभी तेल गरम हो गया है तो हम चलो इसे फ्राई करते हैं। तो इसे अच्छे से एकदम डीप फ्राई करेंगे और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तभी इसे निकालेंगे। तो हमारा पहला पीस निकल चुका है। चलो अभी इसी तरह पूरे रोल को फ्राई करते हैं। तो अब हमारा चिकन शाही रोल रेडी हो चुका है, तो हम इसे इफ्तारी में अब टेस्ट करके बताते हैं। तो इफ्तारी टाइम होने वाला है, इनको देखो ये बर्फ तोड़ने के शायद, देखो इनकी वेलन से बर्फ तोड़ा जा रहा है। और आज मेरे को और भी जाना है, तो इफ्तारी करते ही हम लोगों को मस्जिद के लिए भागना पड़ेगा। हाँ, चांद रात को पहले रमजान को इनकी अरबी की छुट्टी थी मदरसे में, लेकिन आज इनको अरबी जाना है और इफ्तारी के तुरंत बाद मतलब भागना पड़ेगा हमें मस्जिद। नहीं तो भागना डेली पड़ता है मगरिब की नमाज के लिए, लेकिन मगरिब की नमाज के बाद इनका मदरसा है तो अरबी पढ़ के फिर आएंगे ये। और ये इफ्तारी में सबसे बड़ी आइटम कौन सा मालूम है? ये दाल, इसको पहले मैं बहुत खाता था, नमक मिर्ची डाली है, लेकिन अब खा अब सिर्फ देखता हूँ, खा तो पाता नहीं मैं। और मेरा फेवरेट पहले चना हुआ करता था, ये सबसे फेवरेट, लेकिन ये भी नहीं खा पाता। और फ्रूट मेरा देखो कैसे, ये पतला पतला फ्रूट, ये बारीक, ये एप्पल भी देखो बारीक, ये पपैया भी बारीक, नहीं खरबूजा बारीक, ये पपैया भी पतला पतला, ये सब मेरे लिए है, मतलब मेरे अलग से पतला पतला काटा जाता है, खा पाता हूँ। ये लोग अलग ऐसा खाएंगे जाड़ा जाड़ा। केला भी तो कैसे, क्योंकि मेरे मुँह में मोटा मोटा सब जाता नहीं, पतला ही खा पाता हूँ। तो मैं ये नहीं खाऊँगा, ये नहीं खा पाऊँगा, ये नहीं खा पाऊँगा, ये नहीं खा पाऊँगा, अंगूर भी नहीं, मुश्किल से खा लूँगा एक आध, ये भी थोड़ा सा खा लूँगा, भजिया भी नहीं खा पाऊँगा, इस साइड मैं नहीं खा पाऊँगा। तो दोस्तों जान हो गई है, हम लोग रोज़ा खोलते हैं सुबह पढ़ के। तो देखो दोस्तों फ्रूट ऐसे पतला पतला मैं खाता हूँ, देखो ऐसे खा पाता हूँ, ठीक है, एकदम थोड़ा सा खुलता है। आर्या ने जो रेसिपी बनाई है वो आप रेसिपी को टेस्ट करते हैं और बताते हैं टेस्ट कैसा है। तो सबसे पहले सालिम टेस्ट करेगा, बताएगा, क्योंकि आर्या की रेसिपी है। हाँ दिखाओ खोल के, ये देखो अंदर मेमोरियल, दिखा अंदर है ना ये, हाँ मेमोरियल है। चलो टेस्ट कैसा है सालिम बताएगा, क्योंकि सालिम को सही सही बताना, नहीं तो इनके साथ इनको देख के तारीफ मत करो, सही से बताना। अच्छा है पक्का है अंदर पूरा? अरे वाह, चलो रुको ये बताओ खाए जल्दी फटाफट, तुम ही बताओ सही में, तुम्हारा बनाया हुआ है? अच्छा सही में, अरे वाह, चलो ठीक है, मैं तो खा नहीं पाऊँगा। अब जिन्होंने बनाया है वो, जिन्होंने बनाया वो बताएंगे। चलो हाँ नमक कम है, अरे चलो गलत हो गया सवाल, ठीक है फिर भी तारीफ करेंगे, बोले अच्छा बना है। तो हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लोग भी अपने घर में ट्राई कर सकते हो और इसको बना के रख सकते हो फ्रिज में, और आपका जब दिल करे इसको तल के ऐसा रेडी करके खा सकते हो अफ्तारी में। ऐसे भी जरूरी नहीं कि जिस दिन बनाओ उसी दिन तलो, है ना, तल के रख सकते हैं। हमने भी पूरा तला नहीं है और रख दिया फ्रिज में, कल भी तलेंगे। आपको हमारी रेसिपी की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जिसने सब्सक्राइब न किया हो, ज़्यादा सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।